આજે નામદેવ સેવા સમિતિની અહેમ બેઠક સંપન્ન થઈ હતી, જેની અંદર 24-25-26 જાન્યુઆરીમાં વસંત પંચમીનો કાર્યક્રમ આવવાનો છે. કાર્યક્રમમાં સફળ બનાવવા માટે એક મીટિંગનું આયોજન કરાયું હતું. તેમાં સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એનો ઉપલબ્ધ જગદીશ પરિહાર સાહેબે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમમાં કપિલા દીદી દ્વારા નામદેવજી ચરિત્રને બારેમાં જાણકારી મળશે એટલા બધા લોકોને એક થવાની જરૂરત છે અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવો અને સમાજને ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. कोई कहते हैं रामदेव जी इस दिन भगवान को मिले थे, कोई कहते हैं रामदेव जी का जन्म कैसे हुआ, कोई देखे उन्होंने समाधि कब ली. ये अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग भ्रांति हिंदुस्तान में है. तो एक ऐसा हमारा मन में विचार आया कि इतने महान संत जो भगवान के प्रिय भक्त, उनका ये अलग अलग संतों के द्वारा भ्रांति है, उसको सही की जाए. हमारे समाज में ये भ्रांति होने के कारण कोई भी नामदेव जी के बारे में जानकारी नहीं है. तो एक कपिला दीदी जी मिले थे, उन्होंने कहा भाई मेरे को नामदेव जी के बारे में खूब जानकारी है, मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ और मेरा परिवार वारकरी संप्रदाय से है. तो हमने उनका एक दिन 2 घंटे का प्रोग्राम रखा था, उसमें उन्होंने नामदेव जी के बारे में खूब अच्छी जानकारी हमारे समाज भाइयों को दी हुई थी. उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट करके 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा है कि जिससे हमारे छिपा समाज को नामदेव जी जीवनी की पूरी जानकारी हो और अन्य समाज के लोग भी उस कथा में आ सकते हैं. मैं श्री अग्रवाल चौधरी, राजबिरोही राजपूत सभी लोगों को आमंत्रण करेंगे. 24-25-26 जनवरी को 3 दिन का सूरत में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है. मैं सभी समाज बंधुओं को कहूँगा कि इस कार्यक्रम में सच्चा रूप से ज़्यादा ध्यान देवें और कार्यक्रम को सफल बनाएं.